दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग आज जो है वो सीपीएम के बारे में बात करेंगे कि सीपीएम है क्या, सीपीएम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सीपीएम कैसे होता है, ओल्ड डैशबोर्ड पे कैसे होता है, न्यू डैशबोर्ड पे कैसे होता है, सब तो सबसे पहले समझते हैं। और फिर से मैं ये लाइव हमने की भी है, फिर से बता दूं, जिसके मतलब का टॉपिक है वो लाइव पे रहे, जिसके मतलब का टॉपिक नहीं है वो लाइव छोड़ के जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव है और इस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो लोग इस तरह जो है आके बात नहीं करते जिस तरह हम अभी बात करने वाले हैं, या हम जो है वो भी बात करेंगे। तो सीपीएम, बेसिकली सीपीएम जो है वो आप लोगों के एड्स के ऊपर खुद क्लिकिंग करते हो या उनको खुद देखते हो या इस तरह करके आप जो पैसा बनाते हो। बनाना पैसा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल से पैसा बनता है। लेकिन सबसे पहले इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं, इस चीज के ऊपर डिबेट कर लेते हैं कि क्या ये करना सही है या गलत है, ठीक है? और सही है गलत है इसको आपने अपनी मर्जी से करना है, लेकिन हम इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड कर देते हैं कि सबसे पहले सीपीएम करके आप एडवर्टाइजर का पैसा जाया कर रहे हैं, ठीक है? एडवर्टाइजर जो एड्स लगा रहा है, फेसबुक को जो एड्स दे रहा है, आप उन एड्स के ऊपर खुद क्लिकिंग कर रहे हो, वो जिस एड जिस बंदे को देखना चाहिए उस तक नहीं पहुंच रहा, वो आप जो है वो उसको क्लिक करके देख के जो उस एड को जाया कर रहे हो, तो आप एडवर्टाइजर का सबसे पहले सीपीएम करके पैसा जाया कर रहे हो। जबकि दूसरी साइड के ऊपर सीपीएम के अंदर एडवर्टाइजर आपको डायरेक्टली पैसे नहीं देता, पैसे आपको देता है फेसबुक, और फेसबुक के ऊपर जो है वो फेसबुक के सिस्टम के अंदर, फेसबुक की वेबसाइट के ऊपर एक जो है वो लूप होल है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को यूज करते हुए आप मेहनत करके फेसबुक से पैसा बना रहे हो, वो भी सीपीएम है, ठीक है? एक साइड ये होगी, मतलब प्रॉब्लम से मुराद मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल विंडोज है, अगर हमारे हम लोग जो विंडोज यूज कर रहे हैं, ठीक है, विंडोज के अंदर भी एक प्रॉब्लम थी कि इजीली क्रैक हो जाती थी, इसलिए हम सबके कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर क्रैक विंडोज हैं। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि विंडोज परचेस करो, हम वो परचेस नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के अंदर से लोगों ने अपना काम बनाया और ये काम धंधा। वैसे ही फेसबुक के ऊपर सीपीएम, सीपीएम एक प्रॉब्लम है, वेबसाइट की प्रॉब्लम है जिसको यूज करते हुए लोग पैसा बनाते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जो जो सीपीएम करते हैं वो हमें ये भी कहते हैं कि भाई जान फेसबुक ने हमारा $1,00,000 होल्ड किया हुआ, $2,00,000 होल्ड किया हुआ, $5,00,000 होल्ड किया हुआ, तो हम फेसबुक से जिहाद करते हैं, हम फेसबुक से जो है वो ये अपने पैसे निकलवाने के लिए। और वो आगे से मिसाल ये देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक दुकान से, एक दुकान वाले से आपने पैसे लेने और उस दुकान में माल किसी और का पड़ा हुआ है, आप जाते हो दुकान पे माल उठा के ले आते हो, क्यों? क्योंकि उसने आपके पैसे देने और आप माल उठा के ले आते हो। अब इसमें आप जिसका माल है और जो माल उठा के लाया, वो दोनों का जो है वो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दुकान वाले का उसके साथ रिलेशन है। तो सेम ऐसी के फेसबुक के अंदर एड्स किसी और के लग रहे हैं, लेकिन आपने पैसा फेसबुक से लेना है, इसलिए आप फेसबुक के ऊपर जाके सीपीएम करते हो। ये चीजें हमारी क्लियर होगी। अब ये सही है गलत है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मैं करता हूं नहीं करता, कौन करता है नहीं करता, इसके ऊपर अब जो है वो कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। हमने सारी बातें सीख ली हैं, समझ ली हैं, हमें बेहतर पता है कि क्या ये करना बेहतर है या नहीं बेहतर। आपको खुद को बेहतर पता होगा, आप किसी और से पूछोगे तो कोई कहेगा करना चाहिए, कोई कहेगा नहीं करना चाहिए, कोई कहेगा ऐसे, कोई कहेगा वैसे, ठीक है? तो हम अभी इन चीजों पर बात नहीं कर रहे, ठीक है, कि हम सीपीएम जो है वो करना चाहिए नहीं, आपने खुद से पूछना है। सीपीएम अगर आपको करने का दिल करता है तो आप सीपीएम कर दो, कर लो। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं कि सीपीएम है क्या चीज, हो कैसे रहा है, उसके लिए हम थोड़ा सा जो है ना वो नोट पैड के अंदर जाते हैं, नोट पैड खोलते हैं और समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अभी सबसे पहले समझेंगे एड्स ऑन रील्स। अभी सबसे पहले समझेंगे एड्स ऑन रील्स, ओल्ड डैशबोर्ड क्या है और न्यू डैशबोर्ड क्या है। अच्छा, सिर्फ एड्स ऑन रील्स पे नहीं होता, सीपीएम जो है वो इंस्टीम एड्स पे भी होता है, लाइव पे भी होता है, लेकिन अभी हम फिलहाल एड्स ऑन रील्स के बारे में समझ रहे हैं। एड्स ऑन रील्स, ओल्ड डैशबोर्ड और न्यू डैशबोर्ड, सबसे पहले तो उसका फर्क समझे ना, काफी ज्यादा लोगों को इसका फर्क नहीं पता। ओल्ड डैशबोर्ड में क्या फर्क है, न्यू डैशबोर्ड जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग इससे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? तो उसको समझे कि जो अपडेट नहीं हुआ वो ओल्ड डैशबोर्ड है, मतलब नॉन अपडेटेड, इसको हम कहेंगे नॉन अपडेटेड। और जो अपडेट हो गया है उसको हम कहेंगे न्यू डैशबोर्ड। अच्छा, जो अपडेट हो गया है उस पे पैसे मिलते हैं प्लेस के, व्यूज के, यहां पे हमें अर्निंग्स मिलती है,
प्लेस की और व्यूज की, जबकि जो ओल्ड डैशबोर्ड है यहां पे अर्निंग्स हमें मिलती है एड्स की। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि ओल्ड डैशबोर्ड जो है वो पुराने वाला है, उनके ऊपर डेट आई हुई है, किसी के ऊपर 18 जनवरी की आई हुई है, किसी के ऊपर 5 जनवरी की आई हुई है, कि ये इस टाइम पे इस दिन पे अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं ओल्ड डैशबोर्ड। और एक न्यू डैशबोर्ड है जो कि ऑलरेडी अपडेट हो चुका है और उसके ऊपर पैसे जो है वो व्यूज के मिल रहे हैं, जितने प्लेज आ रहे हैं उतने आप जो है वो वहां पे आपको जितने प्लेज आते हैं आप उस हिसाब से जो है पैसे बनाते हो। ठीक है, ये चीज हमारे पास क्लियर होगी। अब यहां पे इन दोनों के अंदर एक चक्कर चल रहा है, एक और चक्कर चल रहा है ओल्ड डैशबोर्ड न्यू डैशबोर्ड के बाद एक और नया जो है वो चक्कर आपके सामने आ जाता है जो कि है फ्लैग और नॉन फ्लैग। फ्लैग और नॉन फ्लैग, नॉन फ्लैग जो कि ग्रीन है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई वॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फ्लैग के ऊपर मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉल्यूशन है। अब जिसके ऊपर मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉल्यूशन है इसका मतलब कि वो जो है वो ऑलरेडी फ्लैग है और उसके ऊपर अगर आप सीपीएम करते हो तो पैसा मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, जबकि जो ग्रीन पेज है उसके ऊपर अगर आप सीपीएम करते हो तो पैसा मिलने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा एक फ्लैग पेज में। ठीक है, तो ये चीज भी समझ में आ गई। अब आजकल क्या हो रहा है कि आजकल आप जो है वो फेसबुक के ऊपर अगर आप जाओ या आप किसी से भी पूछो कि भाईजान क्या चल रहा है फ्लैग पेज का रेट, तो आपको पता चलता है कि फ्लैग पेज जो है वो आपको $3,000 $4,000 $5,000 इस तरह जो है वो मार्केट के अंदर बिक रहा है, क्योंकि जो पैसा है फ्लैग पेज के ऊपर वो 100% आ रहा है। इसीलिए जिसके पास फ्लैग पेज है वो आज के दिन में बहुत अमीर है, वो सीपीएम वालों से भी ज्यादा अमीर है जिसके पास आज की डेट के अंदर फ्लैग पेज है। ठीक है, जिसने क्योंकि जिसने पिछले महीने नवंबर के महीने में सीपीएम करके $50,000 $60,000 $1,00,000 बनाया तो वो तो $5,000 का भी फ्लैग पेज लेगा। ठीक है, अब वो फ्लैग पेज वाले अपनी मर्जी से जो है वो प्राइजेस रख रहे हैं और उन पेजेस को भी बेच रहे हैं, जबकि दूसरी साइड पे जो ग्रीन पेजेस हैं, जो नॉन फ्लैग पेजेस हैं, उनको कोई एज सच इतना खास कोई मुंह नहीं लगा रहा, हर कोई फ्लैग पेजेस को मुंह लगा रहा है, क्योंकि फ्लैग पेज का एक चीज मार्केट के अंदर मशहूर हुई है कि फ्लैग पेज का पेमेंट 100% मिल रहा है। अच्छा, ये चीज भी हमें समझ में आ गई कि फ्लैग पेज का पेमेंट मिल रहा है, नॉन फ्लैग के ऊपर पेमेंट नहीं मिलता, या अगर मिलता भी है तो बहुत कम चांसेस है। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। अगर आप इंसानों की तरह नॉन फ्लैग के ऊपर भी सीपीएम करो तो नॉन फ्लैग के ऊपर भी आपको, ग्रीन पेज के ऊपर भी आपको मिलता है, लेकिन वो एक लिमिट के अंदर रह के। आप फ्लैग के ऊपर जो अग्रेसिव होकर करते हो ना, अग्रेसिव होकर आपने $50,000 लोड कर लिया, आपने $60,000 लोड कर लिया, आपने $70,000 लोड कर लिया, आपने तो $1,00,000 लोड कर लिया, लेकिन नॉन फ्लैग के ऊपर आप इतना अग्रेसिव नहीं चलते। इतना अग्रेसिव चलोगे तो आपको पता है कि एट द एंड पेमेंट जो है वो आपकी नॉट पेबल हो जाएगी। पेमेंट के ऊपर जब पे आउट के अंदर ऐड तो होगी लेकिन साथ में नॉट पेबल लिखा जाएगा कि भाई फेसबुक या लाइव पेमेंट आपको नहीं दे सकता। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद अब समझते हैं कि न्यू डैशबोर्ड पे कैसे हो रहा है, ओल्ड डैशबोर्ड पे कैसे हो रहा है, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन है। न्यू डैशबोर्ड का मेथड अलग है, ओल्ड डैशबोर्ड का मेथड अलग है। तो अभी जो न्यू जो अपडेट हो गया सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं कि न्यू डैशबोर्ड के ऊपर सीपीएम कैसे हो रहा है। अच्छा भाई जान, न्यू डैशबोर्ड के ऊपर सीपीएम जैसे आपको पता है पैसे मिलते हैं प्लेस के, आप जितना उसको प्लेस जो देखोगे, जितनी दफा वीडियो देखी जाएगी उतने ज्यादा जो है वो उस वीडियो के ऊपर पैसे मिलेंगे। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल एक पेज आपको दिखाता हूं। अब यहां पे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैंने ये क्योंकि लाइव स्ट्रीम करनी थी, मेरा प्लान था, इस वजह से जो है ना वो मैंने एक पेज जो है वो स्टार्ट किया था और वो पेज मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे चल रहा। तो सबसे पहले अभी हम नॉन जो है वो न्यू डैशबोर्ड के सीपीएम को हमने देख लिया। न्यू डैशबोर्ड के अंदर अर्निंग हमें मिलती है प्लेस के ऊपर, व्यूज के ऊपर, एड्स का कोई चक्कर नहीं है, प्लेस और व्यूज आएंगे तो आपको अर्निंग आएगी। ठीक है, और वही अर्निंग आपकी एड होगी। यहां पे मैं सबसे पहले जो है ना वो कोई पेज खोल लेता हूं।
अच्छा फॉर एग्जाम्पल जैसे यही पेज है, इसके मैं एड्स ऑन रील्स के अंदर जाता हूँ, तो एड्स ऑन रील्स के अंदर ये जो है ना वो $38 सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर, कि ये चीज जो है वो आपको दिखाने के लिए, ठीक है, कि ये काम कैसे हो रहा है, उस लिए ये जो है स्टार्ट की थी। अच्छा इसके ऊपर 38, अगर मैं इसका पेज मैं आपको उधर खोल के दिखाऊं, इस पेज की अगर मैं आपको रील्स में जाकर दिखाऊं, खैर मैं नीचे करता हूं, अब यहां पे एक ये रील है, ठीक है, इसके ऊपर ना कोई लाइक है, ना कोई कमेंट है, ना कोई शेयर है, लेकिन इस रील के ऊपर अगर मैं आपको व्यूज दिखा सकूं, चलें इधर से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली रील है, इस रील को हम खोलते हैं, इसके ऊपर 4.6 के मिनट्स व्यू आया है, और उसके बाद जो है वो उसको मैं अगर नीचे करता हूँ, खैर इसके ऊपर प्लेज, आप ये प्लेज जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो यहां से देखें, कि इसके ऊपर ना कोई लाइक है, ना कोई कमेंट है, ना कोई शेयर है, फिर भी 100 के प्लेस इस पे मारा था आपको दिखाने के लिए, उसके बाद 100 के ही दूसरी पे मारा था, 100 के ही तीसरी पे मारा था। अच्छा ये चक्कर क्या है, ये चक्कर है 25 दिन में पैसा डबल, पैसा लगाओगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, उससे ज्यादा की आपको अर्निंग होगी। मैं ऐसे दिखाता हूँ, 100 के दूसरे पे 100.4 के, तीसरे पे 100.1 के, फिर नीचे जो है वो नीचे वाले किसी पे 50 के, इस तरह करके आप ऐसे समझ लो कि टोटल जो है वो आप इसके ऊपर 5 लाख जो है वो प्लेस होंगे, 5 लाख प्लेस। और इसके अंदर भी चक्कर है आरपीएम हाई करने का, आरपीएम लो करने का। आरपीएम लो होगा तो ऐसे पैसे बनेंगे, आरपीएम हाई होगा तो ज्यादा पैसे बनेंगे। अच्छा ये प्लेस आते कहाँ से हैं, ये प्लेस आते हैं मल्टीपल पैनल्स फेसबुक पर बने हुए। आप SSM पैनल लिखो, अब SSM पैनल्स के अंदर यहाँ पे आपको N1 पैनल, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूँ, तो यहां से आपको प्लेस मिलते हैं। मैं इनकी सर्विसेज के अंदर जाता हूँ, उस तरह बेशुमार पैनल्स बने हुए हैं, उन पैनल्स के ऊपर आप जाते हो, पैनल से जो है वो सर्विस लेते हो व्यूज की, आपके मार्केट के अंदर जो भी वॉच टाइम या फॉलोअर चक्कर सारा कुछ इन पैनल्स के थ्रू ही हो रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे जो हूँ वो नीचे जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि 1 मिलियन व्यूज यहाँ पे कितने के मिल रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिलियन व्यूज के ऊपर आपको ताकि आइडिया हो जाए कि आपका खर्चा कितना आएगा और आपका पैसा कितना बनेगा। न्यू डैशबोर्ड के ऊपर सिंपल इसी तरह हो रहा है, काफी ज्यादा लोगों ने अपना सेटअप बनाया हुआ है। जैसे आप वो बोनस का टाइम याद करो, जब आप 1 लाख, जब हम 1 लाख जो है वो प्लेस पूरे करते थे तब जाके बोनस आता था, तब जो सेटअप लोगों ने बनाया हुआ था ऑटो रिफ्रेशर लगा के और प्रॉक्सीज लगा के, वही लोगों ने सेटअप अब जो है वो न्यू डैशबोर्ड के ऊपर लगाया हुआ है। और एक एक पीसी के अंदर 10 10 RDPs लगाई हुई है, 10 10 RDPs के अंदर, एक एक RDP के अंदर 30 30 क्रोम लगाए हुए, 30 30 IDs लगाई हुई है, और वो 1 RDP से उनको जो मैक्सिमम जो प्लेज मिलते हैं वीडियोस के ऊपर, वो तकरीबन आप ऐसे समझ लें कि 1 लाख प्लेज मिल जाएंगे, 10 RDP से जो है वो 1 मिलियन प्लेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके अब वो प्लेस दे रहे हैं। और अच्छा मैं यहाँ पे वीडियो व्यूज पे आता हूँ। अच्छा फेसबुक वीडियो व्यूज यहाँ पे 0.03, मतलब 0.03 के हमें मिल रहे हैं 1,000, ठीक है। ये मिनिमम कह रहा है कि आप 100 लगा सकते हो, मैक्सिमम जो है वो आप 10 मिलियन लगा सकते हो, और आपको पर 1,000 जो है वो 0.03 ये मिलेंगे। मतलब ऐसे समझ लें कि आपको 1 लाख प्लेस यहाँ पे तकरीबन तकरीबन हो गए मेरे ख्याल में $3 के। और ऐसे ही जो है वो 1 मिलियन जो है वो $30 के। अच्छा इस पैनल का रेट थोड़ा सा ज्यादा है,
अब आप किसी और पैनल के ऊपर जाते हो, हमने क्योंकि और भी निकाले हैं। अच्छा मैं यहाँ पे अपना अकाउंट भी लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा पैनल्स के ऊपर अकाउंट भी बनाए थे। साइनिंग अभी हम सारा आगे न्यू डैशबोर्ड का चल रहा है, ओल्ड डैशबोर्ड डैशबोर्ड को भी समझेंगे, उसके बाद गपशप भी करेंगे। अभी मैं एक दफा की सारी चीजें क्लियर कर दूं, उसके बाद जो है वो हम उसके बल में आएंगे। क्योंकि पैनल भी आपके लिए समझना काफी ज्यादा जरूरी है। आप पैनल के अंदर जाएं, पैनल को देखें,
हेलो 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 अच्छा आवाज ओके okay. अच्छा मुझे जो है वो आपको ये एक बंदा बता दे कि हमने कहाँ पे जो है वो छोड़ा था ताकि मैं उधर से दोबारा से जो है वो स्टार्ट करूँ। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, मुझे कोई एक बंदा बता दे ताकि हम उधर से दोबारा से स्टार्ट करें। अच्छा SSM पैनल लॉगिन। अच्छा अभी इतना पीछे बात चली गई थी। चले हम दोबारा से चले जाते हैं। अच्छा ये यहाँ पे जो है लॉगिन किया था, लॉगिन करने के बाद हमने चेक किया था कि किस तरह जो है वो मिले हैं। अब यहाँ पे 84 सेंट में हमें 50,000 व्यूज मिला है। फिर हमें जो है वो डिफरेंट, इसके अंदर रिटेंशन डिफरेंट है, उसमें जो है वो हमें 84 सेंट का इसलिए मिला क्योंकि वो 3 से 5 देखता है, ये जो है वो ज्यादा मिनट तक 60 से 180 मिनट तक देखता है, इसलिए हम इसमें 50,000 का ही 156 1.56 पे किया है। फिर 84 सेंट 84 सेंट इस तरह। अब यहाँ पे मल्टीपल पैनल्स हैं। अब मल्टीपल पैनल्स को यूज करते हुए मैं भी आपको अगर रेट बताऊं, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे मल्टीपल पैनल्स हैं और आप मल्टीपल पैनल्स को यूज करते हुए, अब यहाँ पे ये मल्टीपल पैनल्स हैं, अब आप मल्टीपल पैनल्स को यूज करते हुए बहुत ज्यादा जो है वो पैनल्स जो है वो मार्केट के अंदर हैं। मैं दोबारा से वो दिखा देता हूँ, ये वाला पैनल, इसका डैशबोर्ड, इसके अंदर पैसे डालने के लिए यहाँ पे एड फंड का बटन आपके सामने है, यहाँ से जो है वो यहाँ से आप एड फंड के अंदर जाओगे तो आपको मेथड मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जो है वो क्रिप्टो के थ्रू भी पैसे डाल सकते हो, अपना मास्टर कार्ड भी डाल सकते हो, पाकिस्तान इंडिया वाले जैस कैश इजी पैसा से भी पैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो इधर चलता है। ऑर्डर्स के अंदर आएंगे तो वही जो मैं पहले दिखा रहा था दोबारा दिखाता हूँ, 84 सेंट में 50,000, फिर जो है वो इस तरह। अच्छा मार्केट के अंदर बड़े पैनल्स हैं, आपको 1 मिलियन व्यूज मिनिमम जो है वो $15 के अंदर मिल जाना चाहिए, और वो $15 लगा के अगर आपका आरपीएम हाई, आरपीएम हाई कैसे करते हैं उसके ऊपर भी हम किसी और दिन बात करेंगे। आरपीएम हाई है तो आप जो है वो 80 90 100 के दरमियान बना सकते हो, आरपीएम लो है तो आप 40 45 50 इसके दरमियान पर मिलियन जो है वो बना सकते हो $15 लगा के। अच्छा ये चीज हमने समझ ली, न्यू डैशबोर्ड के ऊपर सारा यही हो रहा है। और जो इनस्ट्रीम की अपडेट के अंदर भी, जब एड्स खत्म हो जाएंगे, जब व्यूज के पैसे मिलेंगे, किसी का पेज 5 जनवरी को अपडेट हो रहा है, किसी का पेज 18 जनवरी को अपडेट हो रहा है, तो इनस्ट्रीम की भी यही अपडेट है कि एड्स का चक्कर फेसबुक खत्म कर रहा है, व्यूज के बाद पैसे मिलेंगे। तो जब उसका, जब वो अपडेट हो जाएगा न्यू डैशबोर्ड के अंदर, इनस्ट्रीम जब न्यू डैशबोर्ड के अंदर आ जाएगा तब उसका भी यही चक्कर होगा। इनस्ट्रीम का भी अभी ओल्ड डैशबोर्ड न्यू डैशबोर्ड का चक्कर स्टार्ट होने वाला है क्योंकि फेसबुक ने अपडेट निकाल दिए कि बाई देन फलानी फलानी पेजों को डेट दे दिए कि इस डेट को हम इस पेज को अपडेट कर देंगे। अच्छा ये चीज हमें समझ में आ गई। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा न्यूज डैशबोर्ड की समझ में आ गई, उसके बाद ओल्ड डैशबोर्ड की तरफ आते हैं। ओल्ड डैशबोर्ड के ऊपर एड्स देख के जो है वो कमाई होती है और बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा ही इन्वेस्टमेंट वाला काम है, बड़ा ही पैसे वाला काम है, आम बंदा जो है वो शायद ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा इसके अंदर होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि हमने 300 IDs का सेटअप लगा लिया, आपके पास 300 IDs आपके पास होनी चाहिए। 300 IDs किस तरह की IDs? इस तरह की IDs। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाली ID मैंने खोली, इसके मैं इधर ब्लू स्टैक खोलता हूँ। ब्लू स्टैक खोलने के बाद मैं यहां से एमुलेटर खोल के आपको दिखाऊंगा कि ये ID एड्स दिखाएगी वीडियोस के ऊपर। ठीक है, तो एड्स जिन आईडीज के ऊपर एड्स चलते हैं, जिन आईडीज के ऊपर एड्स नजर आते हैं, वो वाली आईडी सिर्फ इसके अंदर काम आती है और कोई आईडी काम नहीं आती। भजन, मैं आपके सबके सवालों के जवाब देता हूं।
जिस आईडी के अंदर ऐड चलते हैं सिर्फ वही आईडी काम आती है, उसके अलावा और कोई आईडी जो है वो इसके ऊपर काम नहीं आती। अब एड्स चलने वाली आईडी कैसे होती है? आपके पास अगर किसी के सिस्टम में कोई बल्क शेयरिंग करता है, कोई क्या करता है, अगर आपके पास सिस्टम के अंदर कोई 500 आईडी लॉगिन है, तो मेरे ख्याल में 500 में से 200 तो आपको, अगर पुरानी आईडीज हैं और उनको आप डेली बेसिस के ऊपर यूज कर रहे हो, तो 500 में से मेरे ख्याल में 200-300 के ऊपर तो एड शो होंगे, ठीक है। लेकिन वो अब यहाँ पे ये भी बड़ा चक्कर है कि यूएसए की आईडीज हो, यहाँ की आईडीज हो, वहां की आईडीज हो, क्योंकि आपको सीपीएम, अब ये कितना कैसे करके कितने पैसे जो बनते हैं इन सारी चीजों की बात करते हैं। भी मैं फेसबुक खोल के पहले आपको एड वाली आईडी दिखा दूंगा, एड वाली आईडी कौन सी होती है। अच्छा जी, फेसबुक हमने खोल लिया। फेसबुक खोलने के बाद भाईजान ये देखें, ये जो एक ये चीज चल रही है ना ग्रुप के अंदर पोस्ट करके, एग्रीकल्चर मशीनरी ग्रुप के अंदर, इसको कहते हैं बल्क शेयरिंग। जो जो चीजें सामने आ रही है वो मैं क्यों ना बताऊं, इसको कहते हैं बल्क शेयरिंग। और बल्क शेयरिंग का काम दोबारा से जो है ना वो जोरों पे है। लोग बल्क शेयरिंग का सेटअप जिन्होंने लगाया हुआ है, मैं काफी ज्यादा लोगों को जानता हूँ, कोई डेली का 1,000 निकाल रहा है, कोई डेली का 2,000 डॉलर निकाल रहा है, ठीक है। बल्क शेयरिंग के ऊपर इस तरह काम हो रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे खोलता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल कोई पेज खोलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको ऐड दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पे आपको जो है ना वो बीच में रील्स नजर आएंगी जिनके ऊपर ऐड चल रहा होगा, वो मैं नीचे चला जाऊँ उसके बाद में। खैर ये अभी जितनी देर में चल रही है, उस तरह रील की तरह खुल क्यों नहीं रही। खैर आपने देखा होगा रील्स के नीचे एड चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो एक दफा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ये चीजें कैसी होती हैं। आई मीन ये ना बात भूल लूँ। अच्छा 300 आईडीज, 300 आईडीज, फिर नो वॉइस, हेलो हेलो माइक टेस्ट। अच्छा 300 आईडीज, 300 आईडीज हैं आपके पास विच आर शोइंग एड्स। आपके पास एड ऑन रील ओल्ड डैशबोर्ड फ्लैग पेज है, उस पे आप 50 वीडियोस या 100 वीडियोस लगा देते हो, फिर आप पर आईडी 50 वीडियोस के एड्स पर क्लिक करते हो। यही प्रोसेस 100 आईडीज के साथ करते हो तो आपका 5,000-6,000 डॉलर लोड हो जाता है रोज का, ठीक है। अच्छा एक आईडी जिससे एड देख लिया उस पे एक ही वीडियो के ऊपर एड देखना है और किसी वीडियो के ऊपर एड नहीं देखना। जिस वीडियो के ऊपर एड देख लिया एक वीडियो के ऊपर एक ही बार देखना है। फॉर एग्जाम्पल एक आईडी है, आईडी से आपने पेज खोला है और पेज खोलने के बाद पहली वीडियो के ऊपर एड आया है, आपने एड के ऊपर क्लिक करके फॉर्म फिल कर दिया, नीचे गए दूसरी वीडियो आई है, दूसरी वीडियो के ऊपर आपने क्लिक करके उस पहली के ऊपर दोबारा से जाकर उस एड के ऊपर क्लिक नहीं करना, ठीक है। दूसरी के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, ऐसे 50 वीडियोज के ऊपर एड्स के ऊपर क्लिक, ऐसे ही आप 100 आईडीज के साथ काम करो। मैं मशवरा नहीं दे रहा कि आप करो, मैं बता रहा हूँ मार्केट में वो कैसे रहा है। ये करोगे तो 5,000 डॉलर, 6,000 डॉलर, 7,000 डॉलर डेली का लोड का कर सकते हो। ये 300 आईडीज के साथ का करो तो आपका कहाँ से कहाँ डेली का जो है ना वो लोड हो सकता है। तो ये ओल्ड डैशबोर्ड के ऊपर इस तरह हो रहा है।
लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला काम क्यों बताया? इन्वेस्टमेंट वाला काम इसलिए कि फ्लैग पेजों का रेट एक तो इतना ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया कि समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि फ्लैग पेज का रेट इतना ऊपर क्यों गया है। मैं जो हूं वो फ्लैग पेजेस के ऊपर भी बात करना चाहूंगा। एक भाई ने मुझे कहा था कि भाईजान हमें जो है वो आपने बुलाना है। अच्छा, वो पाइन आएंगे तो पाइन आके जो है वो फ्लैग पेजेस के ऊपर बात करेंगे। दूसरा जो है वो इन आईडीज का भी रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर आईडी आईडी हमने 300 आईडी ऐसे लिख तो दिए, लेकिन ये आईडी अकेली के लिए जो वो $4 की एक आईडी है, ठीक है, $4 की एक आईडी जो कि एड्स एंड रील्स के ऊपर शो करती है। $4 का मतलब 100 आईडीज है, तो आपको $400 यहाँ पे लगाने हैं, उसके बाद पेज के ऊपर लगाने हैं, उसके बाद आरडीपीज और उसके हैं, तो ये जो है ये भी बड़ा सीन है। एक मिनट, एक भाई को ऐड कर रहा हूँ। दूसरा भाईजान, मैं एक और बात करना चाहूंगा आप सबसे, और वो बात ये है, मैं एक मिनट स्क्रीन जो है वो खोल लूं। हाँ जी भाईजान, वो बात ये है कि जितना जबरदस्त काम, जितना अच्छा काम, जितना फिट काम इस फील्ड के अंदर, अभी फेसबुक की फील्ड के अंदर बांग्लादेश वाले कर रहे हैं, बंगाली कर रहे हैं, उतना अच्छा काम और कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। बंगालियों की मार्केट ऐसी हो गई है कि वियतनाम की मार्केट जो है ना वो अब बांग्लादेश की मार्केट के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा काम है इस फेसबुक की फील्ड के अंदर, जितना ऐसा सीपीएम वाला काम है, जितना ऐसा ये आपका परफॉर्मेंस वाला काम है, ये सारा जितना बांग्लादेश की मार्केट के अंदर हो रहा है, मतलब इंडिया की मार्केट भी बहुत छोटी है जिस तरह से बांग्लादेश की मार्केट में, क्योंकि अगर आपने इस फील्ड के अंदर, फेसबुक के फील्ड के अंदर पैसा बनाना है, तो आप पार्टनर एक ढूंढ लो बांग्लादेश से, वो आपको पैसा बना कर, क्योंकि बांग्लादेश वाले जितना अच्छा काम कर रहे हैं, उतना अच्छा काम वियतनाम वाले भी नहीं कर रहे, उतना अच्छा काम थाईलैंड वाले भी नहीं कर रहे, उतना पाकिस्तान वाले, तो वैसे जो है वो फ्रॉम द डे, फ्रॉम द स्टार्ट हम जो है वो इस तरफ बहुत कम लोग हैं जो गए हैं, बाकी वॉच टाइम के ऊपर लगे रहे हैं, या वॉच टाइम वाले पेजेस बेच दिए या ये कर दिया। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं जब से जो है वो इस बांग्लादेश की कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हुआ ना, मुझे समझ आ गई कि भाई जन जितना काम ये लोग, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा जो है वो 50-50 हज़ार डॉलर, लाख लाख डॉलर, दो दो लाख डॉलर के पेआउट निकाल रहा है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो मार्केट जो है वो बहुत मैसिवली जो है ना वो ग्रो की है। खैर, ये भाई ने हमें ज्वाइन करने वाले हैं। खैर, हमारा जो है वो जी नुमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? हाँ आपका माइक मेरे ख्याल में म्यूट है, उसको अनम्यूट करेंगे तो आवाज आएगी। प्लीज मेक अ शॉर्ट कोर्स जी, भाई दिन जरूर बनाएंगे, आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे। नुमान भाई, आवाज का इशू आ रहा है। लेकिन मैं अपने मजीद दोस्तों को भी जो है ना वो बुलाता हूँ लाइव में, ताकि वो आपके साथ आके ना सारी चीजों को एक दफा शेयर करें।
खैर, ओल्ड डैशबोर्ड, न्यू डैशबोर्ड, फ्लैग पेज, पेज लोग खुद भी फ्लैग कर रहे हैं, खुद भी फ्लैग करके जो है ना मार्केट के अंदर दे रहे हैं। खैर, इतना मेरे ख्याल में आपको सीपीएम का जो बेसिक नॉलेज ही देना था, बेसिक ही आपको चीजों का बताना था, समझाना था। बाकी ये करना है नहीं करना फिर बताऊंगा, आपका अपना जो है वो है, आप अगर उसको करना चाहते हो तो सब बिस्मिल्ला, अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें। ये चीज अच्छी है बुरी है ये सब सारा फैसला आपने खुद ने लेना है। जी अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, आप में से अगर कोई ये लाइव ज्वाइन करना चाहता है तो मैं इसका लिंक जो है वो डाल रहा हूँ। आवाज आ रही है हमारे भाई? जी, अब आवाज आ रही, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आपने पहले याद पता नहीं क्या इशू था, दोबारा मैंने कनेक्ट किया तो अब आवाज आ रही है। माइक्रोफोन तो ऑन ही था। जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे। ये जो मार्केट के अंदर ये रेट जो इतना ऊपर गया हुआ है, इसका फ्लैग वाले पेज का। यार ये हमारे भाई बड़ा अजीब सीन है। कल तक तो 2,000 डॉलर, 1,800 डॉलर के बेसिस से। अभी एक बंदे से मेरी बात हुई है ग्रुप में, वो कहता जी 7,500 डॉलर का फ्लैग पेज ना, ओल्ड डैशबोर्ड। मैंने कहा डॉलर यार ये मतलब वो पता नहीं अब रीसेलर था या जो भी था, बट जो भी था इतनी ज्यादा अमाउंट एक दफा में पे करना, ये आपका 21 लाख रुपया बनता है। जो मर्जी आप लाख डॉलर निकाल लें इस पेज से, ये गारंटी तो नहीं है ना कि ये लाख डॉलर आपका मिलना ही मिलना है। इन्होंने बनाए हैं, बनाए भी हैं, लोगों के होल्ड भी हुए हैं। लोगों को ये नहीं ना पता असल में ये होल्ड भी कितने हुए हैं। अभी आपकी लाइफ के नीचे एक ऐसी बंदा ऐसी रहीम नाम था, वो कह रहा है जी मेरा कोई 900 पे होल्ड पे है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही भाई कि इतनी जल्दी ये पेज होल्ड कैसे उठ गया। या तो पेज खराब पे जितना था, के कर 900 के नौ बता रहा था, नाइन हंड्रेड नाइन के हंड्रेड के अल्लाह नहीं के नहीं नाइन नहीं हंड्रेड के बनाया क्यों था? वही देखो, वही मैं हैरान इतना था। एग्रेसिव, 9 लाख डॉलर। पता नहीं कि एक वैसे एक पेज से इतना बन सकता है, ये तो इतना वैसे बनता नहीं एक पेज से, मल्टीपल पेजेस होंगे। तो मार भाई कोई रेशियो नहीं है, उनको कोई अक्ल दिलाएंगे इतने का पेज कौन बाय करेगा। सही बात है सुजन भाई। हिम्मत भाई आपसे एक सवाल थी मेरी, जी, बताएं। जो अभी आप ये फ्लैग पेजेस बता रहे हैं ना, ये जो मोनिटाइजेशन फ्लैग पेजेस है, इसी को फ्लैग पेजेस बोलते हैं क्या? जो मोनेटाइज पेज के अंदर एक फ्लैग पेज होता है जिसके ऊपर वॉलेशन होती है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉलेशन, ठीक है, और एक होता है ग्रीन पेज। ग्रीन है वो नॉन फ्लैग है, जिसके ऊपर वॉलेशन है वो फ्लैग है, ठीक है। तो फ्लैग एक वॉलेशन भी अब जो है वो फायदा है, ठीक है। अगर वॉलेशन होगी तो उसका बहुत ज्यादा फायदा है, अगर तो वॉलेशन नहीं होगी तो उसका नुकसान। मेरे पास उस तरह का पेज तो 3-4 पड़ा है। हाँ, फ्लैग तीन वाला चार पड़ा है मेरे पास। आओ ना भाई, है भाई भाई भाई, लेकिन भाई मुझे आपके पास उसमें मेरा उसमें नंबर है। काम करना नहीं आता है, वो तो ऐसे ही पड़ा रहा है। मैंने उसमें बहुत पहले काम तो मैं स्टार्ट आपको किया बता, था और वो पूरा फ्लैग हो गया, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, न्यूज पेज बना के काम स्टार्ट कर दिया। हैनुमान भी फ्लैग पे पार्टनरशिप करेंगे, पैसे लूं उठाऊं। लेकिन कुछ करना ही नहीं आता है, वो तो ऐसे ही आप पड़ा मुझे रहा ना लाइव है। के बाद, आप मुझे लाइव के हाँ बाद भाई ना भाई से मैसेज कर रेट ले। करना, अगर वो इस तरह पड़ा हुआ है तो उसको इस तरह ना रखें, उसको किसी काम में लेके आए, यही जो है वो टाइम है। वो काम में लेने के लिए तो लोग ही नहीं मिलते ना, मतलब ग्रुप वगैरह में पोस्टिंग लगाते हैं तो ज्यादातर स्कैमर मिलते हैं, तो पेज उड़ा देते हैं, इसीलिए इतना ट्रस्टेड लोग नहीं है ना। जो ट्रस्टेड है वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, ये तो मसला है।
मैं आपको दे दूंगा ना, आप जो है वो मुझे मैसेज दूंगा। मैं आपकी जो वो फेसबुक वाली आईडी है ना, वो जो हमद कियानी वाली टिक मार्क, मैं उसमें आपको मैसेज करूंगा। ठीक है, ओके। दिवेश हाँ मेरा यही नाम है भाई सुदन्या, कैसे? मैं इसी से करूंगा आपको। ओके ओके ओके। तो okay. भैया आपने सीधी करना है या भाई चली गई है या काम ही करना क्या हो? है? अच्छा भाईजान, हम जो है वो अब थोड़ा सा सवाल जो आपकी तरफ आ जाते हैं, भाई जान, तो आपके सवाल आप में देखता हूँ और साथ में उनका जवाब हेलो, देता आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा भाईजान, पहले हमारे पास जो सवाल है, आपका कोर्स बाय करना चाहता हूँ भाईजान। कोर्स के लिए हाथ जोड़ लिए आपके आगे, कल भी हाथ जोड़े थे, आज भी हाथ जोड़ लिए। हम कोई कोर्स नहीं करवाते, कोई ऐसा चक्कर नहीं हो रहा इधर, ठीक है? भाग जाओ। कोर्स जो है वो कोर्स के नाम से ही नफरत है। पार्टनरशिप के पेजेस लेकर आ जाओ। सीपीएम टारगेट 2 लाख डॉलर, नो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और काम मेरा। ये सैयद गुलाम रसूल जो है वो कह रहे हैं, ठीक है, कि पार्टनरशिप के लिए पेजेस लेकर आ जाओ। अगर किसी के पास पेजेस हैं तो वो सैयद गुलाम रसूल से रब्ता कर सकता है। वो आपको टारगेट दे रहे हैं 2 लाख डॉलर का, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ पेजेस लेकर जाने, बाकी सारा काम वो खुद करेंगे। उसके बाद हमारे पास तारिक अबासी कह रहे हैं, मेरे पास 2 पेजेस है फ्लैग। उसके बाद मोहम्मद हसनैन जहीर SS भेजे। अच्छा, उसके बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन भाई, RDP के लिए कोई वेबसाइट बता दें भाईजन। RDP के लिए अल्टीमेट टेक बहुत अच्छी है। अल्टीमेट टेक से आप जो है वो बहुत अच्छा USA का VPS ले सकते हो। मेरे पास अतीक लतीफ कह रहे, मेरे पास फ्लैग बिहेवियर पेज है, फुल मोनेटाइज है, फुल मोनेटाइज है भाईजन। अतीक लतीफ भाई, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, किसी और से रब्ता करना चाहे आप हमसे भी कर सकते हैं। मुल्तानी वायरस कह रहा है, ब्रो आई हैव 2 फ्लैग पेजेस बट इंस्ट्रीम नॉट एड्स ऑन रील। भाईजन इंस्ट्रीम वाले भी फ्लैग पेजेस जो है वो बहुत आजकल जो है बहुत जो है वो पैसा बना रहे, ठीक है? सब सर राइट के दौरान समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाता है, स्ट्रीम बंद हो जाती है, जबकि स्ट्राइक भी नहीं पड़ती। कारण इसका सलूशन पता है भाईजान, इंटरनेट का मसला होगा इसलिए समथिंग वेंट रॉन्ग आता है। एडम स्टूडियो, आर यू ऑफरिंग 1-to-1? नो ब्रदर, आई एम नॉट ऑफरिंग। अच्छा भाईजान, ये हमारे पास बंदे लाइव पे आए हुए। हेलो ब्रदर शिवम, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन हमाद भाई, क्या हाल आपका? आई एम फाइन टू। वेयर आर यू ओके, फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया एक्चुअली। इंडिया? या विच सिटी? एक्चुअली इंडिया विच सिटी? नोएडा, फ्रॉम नोएडा। नोएडा। आर यू वर्किंग ऑन फेसबुक? या अभी जस्ट अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एक आज ही मैंने अभी बाई किया है RDP और USA कैडीज वगैरह, आज ही बाई किया इजाज़ भाई से, और काम करने के लिए। तो अभी एक थोड़ा ये फ्लैग पेजेस के बारे में थोड़ा सा दिक्कत है कि क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दे तो ज़्यादा बेटर होगा। फ्लैग पेज, जिस पेज के ऊपर वॉयलेशन होती है वो वाला पेज जो है वो फ्लैग, जिसके ऊपर मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉयलेशन होती है वो वाला पेज फ्लैग होता है। फ्लैग पेज जो है वो खुद भी हो जाता है, आप कोई मिस्टेक करो तब भी हो जाता है। मार्केट के भी जो है वो फ्लैग पेज मिल रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने ये लिंक डाला था यहाँ पे, शिव विशाल रोहन सारे इंडियंस भाई ने हमें जो है ना वो ज्वाइन किया हुआ है। एक्चुअली हाउ हमाद आर भाई, ये थोड़ा सा ना मेरे पास में फ्लैग पेज हमको पता नहीं चल पा रहा। एक्चुअली मेरे पास में पेजेस बहुत सारे हैं, लगभग मैं 250 पेजेस पे काम कर यू? रहा था, तो बीच में थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने छोड़ 250? दिया। हाँ, तो बीच में थोड़ी दिक्कत इतने हो जाने की पेजेस? वजह से मैंने छोड़ दिया। एक्चुअली मैंने अच्छी खासी अर्निंग भी की हुई है फेसबुक से ही। एक्चुअली जैसे ये सब मैंने अपना पूरा सेटअप फेसबुक के ही पैसों से, ये सारी सेटअप ये देख ले हमाद भाई।
ये एक्चुअली ये सारी सेटअप मैंने फेसबुक के ही पैसे से बना रखी है ये सारी सेटअप, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने फेसबुक से ही अर्न करके सारी की हो रखी है, तो वही है कि फेसबुक के ऊपर कैसे अर्न किया है? कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर कि ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर? नहीं, कॉपीराइट कंटेंट के ही ऊपर काम किया है मैंने सारा। कॉपीराइट के ऊपर कौन सा कंटेंट? जैसे कि इंडियन आइडल से कपिल शर्मा शो है, मैं एज अ वो भी हूँ, रियलिटी शो? एनिमेटर भी हूँ, एज अ मैं एनिमेटर भी एनिमेट भी वीडियो करता हूँ, और उसके अंदर मेरे को पता है कि वॉइसिंग को एडिट कैसे करते हैं, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू अंदर जाके वॉइसिंग को ऐसे मैं एडिट अमेजिंग, कर देता हूँ कि वो फेसबुक पकड़ नहीं पाती है। जैसे कि जबरदस्त। मैं एक मूवी को लेके अगर पूरा एडिट करने बैठता हूँ, तो एक हफ्ते तक उस मूवी को पूरा एडिट करता हूँ, उसके अगर मैं उस मूवी को यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँ तो यूट्यूब नहीं पकड़ पाएगा उसको। एक्चुअली मैं वॉइस पे ज़्यादा क्या एडिट बात करने पे थोड़ा ध्यान देता हूँ। है! तो आपका एक पेज कितना टाइम चलता है? एक्चुअली मैं एक पेज लेके नहीं चलता हूँ, एक्चुअली बल्क में लेके चलता हूँ। अगर एक खराब हो जाता तो उसको छोड़ देता हूँ, फिर दूसरे पे शिफ्ट हो जाता हूँ, ऐसे करके चलते हैं। ज़्यादातर कोई कोई एक एक हफ्ता चल जाता है, कुछ कुछ चल जाते हैं अच्छे खासे भी। एड्स और रील्स के हेलो ऊपर इतने खास ट्रैफिक की हेलो जरूरत भाई नहीं भाई है, कोई ऐसा क्रिएटर ढूंढें भाई, हमारी जो कि बात अच्छा सुनोगे क्या? चले। जी भाई, अरे हम ही बता रहे हैं सर कि हम भी 250-300 पेज पे एडम्स का काम करते हैं, और ऑप्शन आता है उस पे, और उसको मतलब ट्रस्टेबल बंदा नहीं मिलता सेलिंग के लिए। तो आपसे कांटेक्ट वगैरह, मतलब हमारे एड ऑन रील्स पे ही काम रहता है, मैंने उसके लाना लिए एड आप ऑन जो रील्स है का वो ऑप्शन बोनस वगैरह। क्या भेज दिया करो, आपसे जाने के आपसे बाद कांटेक्ट कैसे करें? हमें कांटेक्ट करने के लिए आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हो, कहीं भी आप मैसेज कर सकते हो। एक्चुअली हमाद भाई, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया बट आपने मैंने रिप्लाई आपको नहीं फॉलो किया है। किया है। मुझे अपना अभी बताओ ना, अभी देखो कोई कुछ तो फायदा हो, मुझे अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम बताना। MRX, मेरा है इट इज विश्वकर्मा भाटी, इट ओके, इज विश्वकर्मा भाटी, मेरा एक इट मिनट, MRX, इज विश्वकर्मा भाटी, इट इज MRX, विश्वकर्मा। ओके, MRX, MRX MRX underscore 2 times आगे ARC, अंडरस्कोर 2 times ARC या शिवम विश्वकर्मा भाटी, मौर्या जी, इट इज विश्वकर्मा 28 भाटी। के जो है, ये आपने मुझे मैसेज भी किया हुआ, ये मैसेज भी मेरे पास जो है वो आ गया आपका, हाँ ठीक है, हाँ मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया है। और वो ओके, भाईजन इट दूसरा आप क्या बता रहे थे? इज विश्वकर्मा भाटी, इट इज विश्वकर्मा भाटी, मैंने आपको फॉलो किया हुआ है भाई, इट इज विश्वकर्मा भाटी, मेरा सेम IT ITS, इट इज विश्वकर्मा, बीच में स्पेस है, फिर विश्वकर्मा बाद स्पेस, फिर भाटी, PHATI भाटी। एक बार बता देना कौन सा वाला है। भट्टी, हाँ भाटी भाटी, BHATI भाटी, BHA, BHATI भाटी। हमाद भाई, आर्या भट्ट, हमाद भाई थोड़ा ये टिकटॉक के बारे में इट्स बता देते यही है। हाँ थोड़ा मिल सा। हमाद भाई थोड़ा सा टिकटॉक के गया, बारे हाँ में यही आप, वाला, यही वाला, यही 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 वाला भाई। हमाद भाई आवाज आ रही है? टिकटॉक के ऊपर हमने एक क्लास रखी हुई है, आगे आपको मैं क्लास नहीं कह रहा, वो हमारा वो एक दोस्त है, भाई है, ओके भाई, उसके साथ उस पे अपना नंबर डाल देना भाई, मैसेज में अपना नंबर डाल दे। ओ भाई चले गए, लगता है नेट कट गई उनकी। अच्छा भाईजान, अब हम जो है वो सवालों के जवाब करके इसको जो है वो रैपअप करें। जी भाई, और कोई बंदा कोई सवाल करना चाहता हो?
सैयद गुलाम रसूल कह रहे हैं भाईजान लास्ट 4 दिन बचे हैं पार्टनरशिप के लिए, पेजेस लेकर आ जाओ, सीपीएम टारगेट 2 लाख, नो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और काम मेरा, +8801810000669 व्हाट्सएप। भाई जान ख्याल रखें अपना, कल हम आएंगे टिकटॉक के साथ, ठीक है, टिकटॉक के ऊपर भी इसी तरह बातें करेंगे, आपके जो भी सवाल हैं वो भी मैं स्ट्रीम के अंदर, स्ट्रीम खत्म होती है तो नीचे कमेंट से देखता हूँ, कमेंट से देखने के बाद फिर आपको जो है वो मैं उन सब के जवाब भी कल दूंगा, लिख लूंगा उन सब के जवाब भी कल दूंगा। सीपीएम करना है नहीं करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मैं करता हूँ नहीं करता मुझे भी नहीं पता, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कल टिकटॉक की क्लास के अंदर, और बहुत ज्यादा प्यार आपने दिया है, इतना लाइव आया हूं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, और मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई 6 महीने बाद कोई वीडियो लगाई है, तो मुझे नहीं यकीन था कि इतने लोग स्टिल जो है वो हमारे चैनल के ऊपर हमें याद रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है वो बहुत प्यारे लोग हैं, ठीक है, जो इस तरह से प्यार करते हैं। तो कल इंशाल्लाह टिकटॉक की क्लास के अंदर, टिकटॉक के ऊपर हम बात करेंगे, ऐसी गपशप करेंगे जैसे आज हमने सीपीएम के बट गपशप की है, ताकि आपको कोई रास्ता मिल जाए, ठीक है, रास्ते तो हम आपको काफी ज्यादा बताएंगे, लेकिन काम करना आपका काम है, ठीक है।